पत्र दिया जा रहा है और पौधे से आपका सम्मान किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सम्मानीय पत्रकारों के लिए, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए। आगे बढ़ते हुए श्री परमानंद तिवारी जी जबलपुर से आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जनसंपर्क मंत्री जी आपको भी पौधा दे रहे हैं, साथ ही स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पे एक और वरिष्ठ पत्रकार श्री देव श्रीमाली जी जो कि ग्वालियर से हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हम सभी वरिष्ठ वेटरन पत्रकारों का स्वागत अभिनंदन करें जिनका महत्वपूर्ण योगदान है समाज में। श्री अंजनी शास्त्री रीवा से जो हैं उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री राजेंद्र पुरोहित उज्जैन से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी स्वीकृति पत्र और सम्मान के रूप में पौधा दे रहे हैं। श्री सिद्ध गोपाल तिवारी सागर से मंच पर आ जाएं। श्री कमलेश सिंह परिहार जी चंबल से। तालियों के साथ सभी सम्माननीय वरिष्ठ वेटरन पत्रकारों का हम स्वागत करें। श्री सिद्ध गोपाल तिवारी जी जो कि सागर से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको स्वीकृति पत्र और साथ ही में सम्मान के तौर पर पौधे से आपका स्वागत कर रहे हैं। बुजुर्ग एवं वरिष्ठ वेटरन पत्रकारों की सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर वृद्धि कर दी गई है और इसी क्रम में आपको स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ ही सम्मान के तौर पर पौधे से आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम तालियों के साथ सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री कमलेश सिंह परिहार को। आप चंबल से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको स्वीकृति पत्र और पौधा देते हुए आमंत्रित करते हैं श्री पंकज पटेरिया जी को जो कि नर्मदापुरम से हैं। आइए तालियों के साथ हमारे सभी वरिष्ठ वेटरन पत्रकारों का स्वागत अभिनंदन करें और इसी क्रम में श्री राम अवतार गुप्ता जी जो कि शहडोल से पधारे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्टेट मीडिया सेंटर एवं पत्रकार कल्याण पर केंद्रित एक लघु फिल्म भी बनाई गई है, आइए देखते हैं स्टेट मीडिया पर आधारित यह लघु फिल्म। एक खोज एक विचार, सत्य का प्रसार, अभिव्यक्ति की पुकार, हर एक पत्रकार जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। साथ ही पत्रकार संपूर्ण समाज एवं प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा प्रदेश के पत्रकारों की कठिनाइयों को, उनकी जरूरतों को समझा है, जिसके तहत पत्रकारों की सुविधा हेतु भोपाल में 4 मंजिला सर्व सुविधा युक्त मीडिया सेंटर के निर्माण की घोषणा की है, जहां एग्जीबिशन हॉल, आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, बैंक, मल्टीमीडिया रूम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कक्ष आदि सुविधाएं पत्रकार साथियों के लिए उपलब्ध होंगी। पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए तत्काल ही हमने फैसला किया है कि पत्रकार भवन निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा देंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पत्रकार समागम में पत्रकार साथियों को अनेक लाभकारी योजनाओं की सौगात दी है, जैसे सम्मान निधि की राशि 10,000 रुपए से 20,000 रुपए की, सम्मान निधि प्राप्त पत्रकार की मृत्यु होने पर 1,08,00,000 रुपए की सहायता राशि, सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आयकर का बंधन खत्म किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के तहत सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 20,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए और गंभीर बीमारी में 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास एवं शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार के बेटे बेटियों के शिक्षा ऋण के ब्याज पर
पाँच वर्ष तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अब 25 लाख के स्थान पर 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम सरकार देगी। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पत्रकार प्रशिक्षण योजना 2023 के तहत छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पत्रकारों के आवास एक कॉलोनी में बनाने के लिए भूमि आवंटन की घोषणा पर कार्यवाही प्रचलन में है। जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि एक पत्रकारों के लिए कहीं जमीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। जमीन देने की हम व्यवस्था करेंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल भी शुरू हो गया है। मंत्रिपरिषद ने केवल 19 दिनों में इसका अनुमोदन कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस स्टेट मीडिया सेंटर का आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया गया है। ये मीडिया सेंटर प्रदेश के लिए मिसाल तो बनेगा ही, साथ ही पत्रकार साथियों के लिए उपयोगी भी होगा। हर वर्ग का शिवराज जी रखते हैं ध्यान, पत्रकारों के चेहरों पर भी लाए हैं मुस्कान। ये थी एक लघु फिल्म स्टेट मीडिया सेंटर की भव्यता को प्रस्तुत करती हुई। और अब हम आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी कथनी और करनी को साक्षात किया और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया आप संबोधन देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे भाई आशीष जी, सीपीआर मनीष जी, पूरी टीम जनसंपर्क की और मेरे सम्मानित प्रिय पत्रकार बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस स्टेट मीडिया सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर केवल शब्दों से नहीं अंतरात्मा से, हृदय से, मन के स्नेह के भावों से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज के पल बहुत आनंद के पल है, बहुत खुशी के पल है। एक संकल्प साकार हो रहा है, एक सपना पूरा हो रहा है। कहने की ताकत, लिखने की हिम्मत, सुनने का संस्कार होना प्रलय में प्रचंड और आपदा में चट्टान जैसा स्वीकार होना व्यक्तित्व में जितना जरूरी है, अच्छे व्यवहार का होना समाज में उतना ही जरूरी है पत्रकार का होना। पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा बने और देशभक्ति की अलख जगाने वाली कविताएं जिन्होंने लिखी, इसी धरती पर मध्य प्रदेश की हरिशंकर परसाई के लिखे व्यंगों ने समाज को आईना दिखाया। जिस धरती पर जन्मे प्रभास जोशी, पत्रकारिता को नई भाषा दी, जहां के बेटे वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी को नई स्वीकारिता दी, उस धरती पर आज राज मीडिया सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का कठिन परिश्रम, पहाड़ सा हौसला और नदी सी विनम्रता, ज्ञान और गंभीरता देखी है। आज सिर्फ मीडिया सेंटर का भूमि पूजन नहीं हो रहा,
बल्कि भविष्य के ऐसे बट वृक्ष का बीज रोप रहा हूं जिसमें अनुभव की शाखाओं पर अनंत आशाएं साकार होंगी। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे प्रदेश से पधारे, मैं जानता हूं आपकी कलम ने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ी, समाज की कुरीतियों की कड़ियां तोड़ी, आज के भारत के निर्माण में भी आपकी स्याही का योगदान नकारा नहीं जा सकता। आप समाज की अंतिम पंक्ति की वो आवाज है जो खबरें बनकर जिम्मेदारों तक पहुंचती है। आप समाज को मिला वो आश्वासन है जिसके होने से सुनवाई सुनिश्चित है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। पत्रकार समाज और सरकार के बीच में सेतु होते हैं। पत्रकार एक धर्म होता है, पत्रकारिता आपकी आत्मा में सूचना और संस्कार बसता है। एक पत्रकार स्वतः ही समाज सेवी भी होता है, क्योंकि जिसके अंदर सामाजिक सरोकार नहीं वो पत्रकार नहीं। सामाजिक सरोकारों से आपका शरीर और आत्मा जैसा रिश्ता है। मित्रों, हमने युद्ध में तपते पत्रकार देखे, चलती हुई गोलियों के बीच मिसाइल, रॉकेट, लॉन्चर, लेकिन पत्रकार वहां डटा होता है। महामारी में जान पर खेलकर अपना धर्म निभाते पत्रकार देखे। कोविड के दौर में जब कोई घर से नहीं निकलता था, ये पत्रकार होता था जो खबरें लेके आता था। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदा में हमने पीड़ितों को मदद करते हुए पत्रकार देते हैं और त्रासदियों पर सवाल उठाते हुए पत्रकार भी देखे। विपत्तियों में जब सब सुरक्षित स्थान खोजते हैं तब पत्रकार समाधान खोजते हैं और समाधान देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल है और एक अनोखा आयोजन है। मित्रों, कुछ चीजें आप सोचें, जैसे विश्वसनीयता का संकट आज एक बड़ा सवाल है। मैं सबकी बात नहीं करता, कहीं कहीं उठता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सवालों का जवाब आप सब खोजेंगे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन आज मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है, मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी पत्रकार है। तो पूरा दौर कहां से कहां तक आया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पत्रकार देखे, हमने आजादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए पत्रकार देखे, और हमने एक अलग युग में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया आया उस दौर के पत्रकार भी देखे। ये मीडिया सेंटर, क्योंकि संवाद, संचार और संपर्क, पत्रकारिता के तो प्राण इसी में बसते हैं। ये मीडिया सेंटर आपके संवाद, खबरों के संचार और हमारे संपर्क का केंद्र बनेगा। ये सेंटर पत्रकारिता के छात्रों के लिए गुरुकुल होगा, ये गुरुकुल होगा। मित्रों, यहां वरिष्ठों का अनुभव भी होगा और छोटों की अनुजों की ऊर्जा भी, पुराने घर की स्मृतियां, क्योंकि बचपन से मैंने यहां पत्रकार भवन देखा था और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो कई बार इसी पत्रकार भवन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस समय तो हम अपनी खबरें लेकर खुद ही अखबारों के दफ्तर में जाते थे कि भैया छाप देना है। मैंने तब से इस स्थान को देखा था, लेकिन पुराने घर की स्मृतियां जो बीच में तोड़ दी गई थी, आज आप एक नए आंगन में प्रवेश करेंगे। लंबे समय से इसके पुनर्निर्माण का सपना था, अलग अलग सुझाव आते थे, लेकिन अंततः स्टेट मीडिया सेंटर अब इसका स्वरूप होगा।
मैं पत्रकार मित्र वो जो जिन्होंने 6 दशक पहले पत्रकार भवन की नींव रखी थी, आज उनको प्रणाम करता हूं। आज उनका पत्रकार भवन स्टेट मीडिया सेंटर में परिवर्तित होने की शुरुआत है। 7 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की थी कि स्टेट मीडिया सेंटर बनाएंगे और आज यहां आपके बीच में भूमि पूजन हो रहा है। मैं हर उस पत्रकार को प्रणाम करता हूं जिसकी रखी ईंटों ने अपना स्वरूप स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में ढाल दिया है। आपको बारंबार प्रणाम। अब ये कैसा होगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी फिल्म अभी आपने देखी है, इसमें क्या क्या होगा ये उस फिल्म के अंदर आपको बताया गया है, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये पत्रकार भवन जहां था स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। इस अवसर पर मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और दो चीजें और मेरे मन में आई है, एक प्रदेश में महिला कल्याण और विकास पर अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी, हम ये फैसला कर रहे हैं। और दो चीजें मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे हैं, पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है। रघुवन रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार। और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था की जाएगी, इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि छोटे अखबारों का अलग महत्व है। उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कार्ड दिया जाएगा। एक बार मित्रों, मैं हृदय के भावों से, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं, मैं हृदय के भावों से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूं और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलके हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत